Welcome students. Today we have a new topic from your textbook First Flight. The topic is about Glimpses of India Part 1 A Baker from Goa. A baker from Goa is basically a pen portrait of a traditional Goan place baker and his position in society. लेट एस स्टार्ट द समरी ऑफ द लैसन इन इन ओल्ड पोर्तज डेज द पीपल ऑफ़ गोवा एट लोब्स ऑफ ब्रेड पुराने समय में जब गोवा में पुर्तगाली लोग रहा करते थे तो वो ब्रेड खाया करते थे हालांकि अब पुर्तगाली लोग वहाँ से चले गए लेकिन अभी भी वहाँ के लोग ब्रेड खाया करते हैं और साथ ही हालांकि अभी ये रोटी या ये जो ब्रेड हैं वो वहाँ से अदृश्य हो गए गायब हो गए परंतु उनके बनाने वाले अभी भी वहाँ पर है भट्टियाँ भी वहीं पर हैं अभी और जो ट्रेडिशनली डबल रोटी बनाने वाले उनके सुबह जो बाँस की डंडे की आवाज़ के साथ वो आया करते थे वो आज भी सुनी जा सकती है किसी ने किसी फैमिली का कोई एक मेंबर अभी भी या प्रोफेशन चलाता है व्यवसाय चलाता है और आज भी गोवा में इन बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है इन इन्हें, इन्हें पैडर कहा जाता है तो यहाँ पर बेकर राइटर का फ्रेंड और गाइड होता था और बेकर दिन में दो बार आया करता था पहले प्रातः अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद शाम को जब वह वापस टोकरी को खाली कर कर के अपने घर को जाता था यहाँ पर ऑथर और उसके जो दूसरे साथी हुआ करते थे वो बेकर के बांस की आवाज़ उन्हें जगा दिया करती थी और राइटर उस ब्रेड रूपी बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करता था और जो घर की मेड होती थी सर्वेंट होती थी वो उनके द्वारा ब्रेड खरीदे जाते थे और वही उन्हें घर भी ले जाती थी बेकर अपने जो बैम्बू बांस का डंडा था उससे झेंग झेंग की आवाज के साथ बहुत जल्दी आ जाया करते थे और एक हाथ में उसके सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था वो और दूसरा जमीन पर बांस को फटकता था तो जो बांस पर बेकरी बेकर टोकरी को रखा रखता था लेखक और उसके दूसरे जो टोकरी थी उसमें वो झांक कर देखा करते थे और वे गर्म चाय के साथ ब्रेड खाया करते थे लेकिन अपने दांतों को वो कभी भी ब्रश नहीं करते थे तो सभी मौकों में चाहे वो शादी के ओकेजन हो कोई या कोई फेस्टिवल हो उस पर बेकर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था और शादी में के मौके पर जो उपहार के रूप में स्वीट ब्रेड जिसे बोल कहते हैं कहते थे उसे दिया जाता था और इसके साथ ही सैंडविच केक और बोलेन वो भी एक तरह की ब्रेड थी उसके साथ बनाए बनाए जाते थे पास्ट में यानी पहले के जो बेकर या डबल रोटी बेचने वाले थे उनकी एक बहुत स्पेशल पिक्युलर ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहा जाता था यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक हुआ करता था यह नीचे नीच तक यानी घुटने होते हैं जो नी वहाँ तक आती थी आजकल आप इसको जो हाफ पैंट होती है उसकी तरह यह दिखती थी उसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं बेकर प्रायः अपने जो मंथली इनकम थी उसको महीने के अंत में लेते थे और पुराने दिनों में यह बहुत यह प्रोफेशन यह व्यवसाय बड़ा लाभ वाला होता था और बेकर और उसका परिवार कभी भी भूख से नहीं मरते थे और उनके जो मोटे शरीर वो जो दिखते थे जिस तरीके से खुश थे प्रोस्पेरियस थे उससे ये लगता था कि एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय था या एक बड़ा लाभ वाला व्यवसाय था तो यह इस स्टोरी की एक समरी है तो इसके आधार पर कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स इस में इस वीडियो में दिए गए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं नंबर वन पॉइंट पोर्तुगीज द पोर्तुगीज लव्ड ईटिंग वेरियस काइंड ऑफ ब्रेड अलग अलग प्रकार की ब्रेड uh, को खाने uh, में को पसंद करते थे पोर्तुगीज लोग क्योंकि उन्होंने अब गोवा छोड़ चुके होते थे वो लेकिन उसके बाद भी आज भी उनके वही जो ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग है वो गोवा में अभी भी जिंदा है नहीं अभी भी लोग उस उसको ब्रेड uh, का यूज करते हैं यहाँ पर लेखक उस बेकर के रोल को डिस्क्राइब uh, करते हैं कि किस तरीके से बेकर बेकिंग uh, किया करते थे ब्रेड बनाया करते थे और आज भी उन्हें पैडर कर करके पुकारा जाता है पैडर के नाम से पुकारा जाता है और ये पैडर दिन में दो बार आया करते थे पहले अर्ली मॉर्निंग और शाम को जब वो अपने ब्रेड को बेच करके वापस अपने घर को जाया करते थे और अर्ली मॉर्निंग जब वो आया करते थे तो उनके जो बैम्बू बाँस के जो डंडे होते थे वो जो ज़मीन में पटकते थे उससे एक विशेष आवाज़ निकलती थी दैट इज़ जिंगलिंग जेंग जेंग की आवाज़ होती थी जिससे बच्चे जाग जाते थे और साथ में जो बच्चे होते थे वो दौड़ करके तो ब्रेड बैंगल लेने के लिए आ, उस बेकर की टोकरी में झाका करती थी और बेकर से जो ब्रेड लेने का काम था वो घर की सर्वेंट्स आ, मेट का काम था और ब्रेड आ, का एक स्पेशल रोल था चाहे वो मैरिजेज हों चाहे आ, किसी दूसरे दु, तरह के फंक्शन है उसमें ब्रेड स्पेशल तरीके से खिलाई जाती थी बोलिनहास एक प्रकार की स्पेशल ब्रेड हुआ करती थी वो हर एक फेस्टिवल चाहे क्रिसमस हो या दूसरे त्यौहार हो उस पर एक एसेंशियल पार्ट हुआ करता था उसका आवश्यक अंग होता था उसको खाया जाता था तो बेकर एक लंबी फ्रॉक पहना करते थे फ्रॉक नुमा एक ड्रेस हुआ करती थी जिसे कबाई कहा जाता था और बेकर एट द एंड ऑफ द मंथ महीने के आखिरी में जो अपना बिल बिलिंग अकाउंट था वो बिलिंग बिल का पैसा लिया करते थे और उसका हिसाब किताब एक वॉल में एक दीवार में पेंसिल से लिखा करते थे और यह इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पेकिंग का कि जो लोग थोड़ा प्रोस्पेरियस दिखते थे मोटे ताजे दिखते थे इन्हें फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे अच्छा हैंड लुकिंग उनका उनका शरीर होता था उनको आज भी कहा जाता है कि वो कभी भी भूखे नहीं मरते हैं और बल्कि वो बहुत अच्छे व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस तरीके से ये मेन पॉइंट इस लेसन से रिलेटेड हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चंस में पैसेज कुछ दिए गए हैं उनके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने यहाँ पर एक पैसेज है आपके लिए ड्यूरिंग अवर चाइल्ड हुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द चिल्ड्रन रिगार्ड अ बेकर इन देयर चाइल्ड हुड अपने बचपन में बेकर को किस तरीके से बच्चे रिगार्ड दिया करते थे कैसे उनको वो मानते थे तो आंसर होगा द चिल्ड्रेन रिगार्डेड द बेकर एज देर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड वो उन्हें अपना साथी अपना फ्रेंड और अपना गाइड मानते थे सेकेंड क्वेश्चन बेकर कम द सेकेंड टाइम दूसरी बार बेकर कब आया करता था तो आंसर होगा द बेकर केम द सेकेंड टाइम वेन हिज ह्यूज बास्केट हैड बिन एम्पिटाइट जब उसकी टोकरी बड़ी सी टोकरी खाली हो जाती थी तब वो वापस घर को लौटता था सेकेंड टाइम तब आता था थर्ड क्वेश्चन व्हाट मेड द चिल्ड्रन चिल्ड्रेनअप फ्रॉम स्लीप सुबह सुबह कौन सी चीज बच्चों को जगा दिया करती थी तो आंसर शुड बी द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू वोक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम स्लीप जो बांस के डंडे की जो आवाज थी उससे बच्चे जाग जाते थे नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर लॉन्ग फॉर मीन्स इच्छा तो बच्चों को क्या इच्छा थी बच्चों की क्या इच्छा थी तो आंसर हो सकता है द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर द ब्रेड बैंगल जो ब्रेड बैंगल थी उसकी उससे बच्चे बहुत पसंद करते थे तो वो उनकी इच्छा थी लास्ट क्वेश्चन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज वेस्ड फॉर वेरी मच और डिजायर अनस्टली तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब है अत्यधिक इच्छा तो वर्ड अभी मैंने बताया आपको लॉन्ग फॉर तो आंसर होगा दर्ड लॉन्ग फॉर मीन्स द सेम एज वेस्ट फॉर वेरी मच पैसेज एक पैसेज पर दिया गया है उसके भी चार क्वेश्चन है आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर्स रिकॉर्डेड कहां पर रखा जाता था मंथली हिसाब आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है ऑन द वॉल वॉल पर लिखा जाता था और पेंसिल से लिखा जाता था सेकेंड क्वेश्चन वेन डिड द बेकर कलेक्ट द हिज बिल्स अपने बिल कब कलेक्ट किया करते थे आंसर द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक एपीरियंस मीन जैक फ्रूट लाइक जो कद काठी थी उसका क्या मतलब था उसका मतलब था द प्लम फिजिक प्लम फिजिक एक वर्ड आया है गदराया शरीर मोटा ताज़ा शरीर मीन्स जैक फ्रूट लाइक एपीरियंस लास्ट क्वेश्चन फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है एक वर्ड लिखना है तो आपको बताया है ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय एक वर्ड है उसके लिए दैट इज प्रोफेशन तो आंसर होगा द वर्ड प्रोफेशन मीन्स ऑक्युपेशन इस तरीके से चार ये क्वेश्चन आप इस पैसेज के आधार पर कीजिएगा अब इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट बचता है तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे